इधर से करते हैं, रख दे, बैठ जा इधर, पवन बैठ जा, आप बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ साइड में, बैठो बैठो। वो हिंदी तो समझ लेंगे, हिंदी थोड़ी थोड़ी, नहीं नहीं हिंदी समझ लेंगे, आ जाओ। धन्यवाद आप सभी का यहां पर उपस्थित। केसीआर साहब, मुख्यमंत्री तेलंगाना और समस्त जो कैबिनेट है उनका भी धन्यवाद, जो यहाँ पे लोग आए हैं, जो फार्मर्स आए हैं, जो किसान हैं, जो रायतू हैं उनका धन्यवाद, जो मेरी बहनें बैठी हैं इनका धन्यवाद, पूरे पुलिस प्रशासन और जो मीडिया के लोग हैं उन सबका धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आज तेलंगाना सरकार का है कि जो लड़ाई पिछले 13 महीने से हमने दिल्ली में लड़ी, आज उस लड़ाई को साक्षात होते हम देख रहे हैं कि कोई स्टेट की सरकार आज किसान के इशू पे दिल्ली में इस देश के किसान के साथ में आई। और इशू कोई और नहीं है, इशू है फसलों के दाम के सवाल पे, जो 13 महीने भारत सरकार को बात बताई कि हमारे फसलों के दाम चाहिए, हमको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। पूरे देश में जो 23 फसलें हैं, जो दूसरी और फसलें भी हैं उन पे भी एमएसपी चाहिए, किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार है 13 महीने के आंदोलन में भी उसकी समझ में नहीं आई। ये कई मुख्यमंत्री अभी आए जिन्होंने किसान के इशू पे बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने सिफारिश करी कि जब आपकी भारत सरकार से बातचीत हो तो हमारी फाइल रुकी हुई है, उस फाइल की भी बात करना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात हुई कि फसलों के दाम नहीं मिल रहे, हमारे स्टेट में फसलों की खरीद नहीं होती, आप आंदोलन की शुरुआत करो। ममता बनर्जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि फसलों की खरीद नहीं होती, आप बातचीत करो। देश में हो क्या रहा है, मतलब किसान ऐसे ही मरता रहेगा? किसान आंदोलन करेगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे, किसान अगर आंदोलन की बात करेगा तो उसको ईडी और उसके जो भी उसके समकक्ष आएंगे, कोई अधिकारी आएगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे। क्या हालात यह होंगी कि देश में अगर किसान की, मजदूर की, गांव की, आदिवासी की बात करना कोई इस देश में गुनाह हो गया? क्या इसकी कंप्लेंट कहीं यूएनओ में करें? लेकिन यह देश का किसान कमजोर नहीं है, ना था और ना है, ये देश का किसान लड़ेगा। जो उसकी लड़ाई है, जो उसके हक हकूक है उसके लिए लड़ेगा। फसलों के दाम चाहिए गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून। जब एमएसपी की बात करते हैं तो कहते हैं जी एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, कि स्टेट वाले खरीद करेंगे। स्टेट वाले जब 500 रुपया ज्यादा देते हैं तो उनकी खरीद बंद करते हैं, ये अन्याय है किसान के साथ में। और एक और बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। आज हमको प्रेस वाले जैसे ही इनसे बाहर जाएंगे तो प्रेस के लोग कहेंगे जी आप तो पॉलिटिकल मंच पाए, लेकिन यहां कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। जो देश में किसान की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। यहाँ के आज जो मुख्यमंत्री हैं वे कोई पॉलिटिकल नहीं है, वे किसान हैं, वे रायतू हैं। यहाँ के जितने भी मिनिस्टरी बैठे हैं वे सारे किसान हैं, धान उनके सामने पड़ा हुआ है, जो पेड़ी है वो उसको लेकर आए हैं। ये कोई वोट मांगने नहीं आए यहाँ पे, ये मांगने आए अपनी फसलों के दाम मांगने आए हैं।
और हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे मुख्यमंत्री का, हम स्वागत करेंगे उसके मंच पे, हम बार बार जाएंगे। जो मुख्यमंत्री किसान के इशू पे अपने स्टेट की पॉलिसी के लिए दिल्ली में लड़ेगा, भारतीय किसान यूनियन और एसकेएम उसका हमेशा साथ देगी। अभी बहुत से इशू आएंगे, बिजली अमेंडमेंट बिल आएगा, उसमें पता है आपको क्या है, अगर कोई किसान दो पशु अपने पास में रख रहा है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, ये बिजली अमेंडमेंट बिल में है। क्या कोई किसान जिंदा रह जाएगा? दो पशु अगर होंगे तो किसान जिंदा रह जाएगा, कॉमर्शियल कनेक्शन लेगा? हमने बात करी है कि जैसे तेलंगाना में है उनकी जो पॉलिसी है वो करंट फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, पूरे देश में लागू क्यों नहीं होता? हमने कहा कि 10,000 रुपये एकड़ जो पॉलिसी आपके स्टेट में है, हमने कहा कि ये पॉलिसी पूरे देश में लागू हो, 10,000 रुपया एकड़ वे अपने फार्मर्स को देते हैं। हमने बहुत जगह स्पीच में कहा, तेलंगाना का नाम लिया हमने, जो भी मुख्यमंत्री काम करेगा हम उसका नाम लेंगे। हमने कहा कि वहां पे अगर कोई भी किसान की डेथ होती है तो उसको मुआवजा मिलता है, यह होना चाहिए। यह पूरे देश में क्यों नहीं है? 5 लाख है वो पूरी पॉलिसी का पता है। आज हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन अगर पॉलिसी है तो तेलंगाना की है, हम उसका जिक्र करते हैं हर जगह। हम गए इनकी पॉलिसी का पता किया, हमने कहा कि भारत सरकार 6,000 रुपये देती है, प्रधानमंत्री की तरफ से 6,000 रुपये किसानों को आता है, लेकिन वो सब किसानों को नहीं आता। वो 2 महीने उस 2,000 रुपये देते हैं, मतलब 3 किस्तों में। वो पहले 2 महीने प्रचार करेंगे, हम पैसा देंगे देंगे, फिर जब पैसा दे देते हैं फिर कहते हैं पैसा दिया दिया, मैं डॉलर दे रहे हो क्या या कुछ दे रहे हो क्या? मतलब इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी तो उसी रेट में चलेगी। आप जाओ, ये पॉलिसी हमने ये कहा था, और ये पॉलिसी हमारी बहुत पहले से करीब 10-15 साल से हम ये पॉलिसी लेकर आना चाहते थे कि डायरेक्ट सब्सिडी जब तक भारत सरकार किसानों को नहीं देगी किसान जिंदा नहीं रह सकता। हमारा जो संगठन है ये बाहर के कंट्रियों में भी है, करीब 73 कंट्रियों में हमारा संगठन काम करता है। हम वहां पर जाकर देखते हैं कि 72% तक सब्सिडी, साउंड माइक करो भाई, ठीक माइक करो, ये तो हिंदी समझने वाले लोग हैं, वहां तो आंदोलन ठीक चलेगा, आंदोलन तो होगा एक आध दिन आंदोलन, भाई मार्च तो हैदराबाद में भी निकलेगा, आएंगे वहां पे भी, और मुख्यमंत्री जी को किसानों के बीच में ही बुलवाएंगे फिर। तो जो इशू है, इशू यह है कि भारत सरकार की पॉलिसी एग्रीकल्चर से अलग हो रही है, ये देश के किसानों की जमीन को बेचना चाहते हैं। आप देखोगे कि किस तरह की पॉलिसी है, हम तो दिल्ली से यहां से 130 किलोमीटर दूर दिल्ली के किसान आंदोलन करते हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर के आंदोलन करते हैं, कहते हैं जी लोग कम आए, साउथ से लोग नहीं आए जी, आपके बिहार से लोग नहीं आए जी दिल्ली में, मतलब आने नहीं दिया किसी को। जो सरपंच होता था गांव का, उसकी जिम्मेदारी थी कि आपके गांव से अगर कोई आदमी जाएगा तो उसका नाम बताना पड़ेगा थाने में, मतलब थानेदार चौकीदारी करता था कि दिल्ली के आंदोलन में कोई जा रहे हैं क्या, यह हालात थी। लेकिन उसके बाद में भी आए, और अभी हालात और खराब होंगे, आपके यहां पर तो पता नहीं लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया, पूरा गाड़ियां बंद कर दी। क्या कोई किसान ऐसा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर पंपिंग सेट जो अपने खेत में पानी देता है डीजल से, क्या वो जिंदा रह सकता है? क्या 10 साल में किसान ट्रैक्टर बदल सकता है? क्या कोई गाड़ियां बदल सकता है 10 साल में? लेकिन अभी पॉलिसी आई कि 10 साल पुराना डीजल से चलने वाला वाहन यहां पे नहीं चलेगा।
उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और जो दिल्ली में पिछले 26 तारीख को जो ट्रैक्टर आए थे, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे, वो वही 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे जो दिल्ली की सड़कों पर आए। हमने उनको कहा, उन्होंने कहा जी ये ट्रैक्टर जो 10 साल पुराना है ये खेत में नहीं चलेगा। हमने कहा कि ये ट्रैक्टर खेत में भी चलेगा और ये दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर भी चलेगा। तो देश का किसान, 4 लाख ट्रैक्टर देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर लेकर आया, जिसमें यह बताया गया कि उन्होंने लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। हमने करीब 5-6 लाख राष्ट्रीय ध्वज उन ट्रैक्टरों पर लगाए, पूरी दिल्ली में चलाए, लेकिन एक बदनाम और साजिश करने का एक आरोप लगाया, वो बेबुनियाद था। उसका जवाब दिया देश के जनता ने। और जब भी संयुक्त मोर्चा कोई आह्वान करता था तो पूरे देश का किसान सड़कों पर आता था, वो ट्रैक्टर के माध्यम से आओ, वो पैदल आओ, वो रेल के सामने आओ, वो सड़क पे आओ। उस आंदोलन में पूरे देश के किसानों की भागीदारी थी। और हम आज भी कह रहे हैं, अगर किसान और मजदूर आदिवासी को जिंदा रहना है तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने कहा कि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी मीटिंग करो पहले दिल्ली में, आपको क्या करना है, आपकी भूमिका क्या रहेगी। हम किसान तो लड़ते रहेंगे साहब, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहेगी। अगर आप नहीं लड़ोगे तो हम तो लड़ाई और आंदोलन करके अपना बचा ले जाएंगे, लेकिन आपकी कुर्सियों का क्या रहेगा। अगला टारगेट तो एक का की स्टेट रहेगा आपका, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ। देश में अब कोई चुनाव नहीं है, देश में कोई इलेक्शन और कोर्ट कचहरी नहीं है, अब भूल जाओ उन सबको। 2-2 साल तक देश में फैसले होंगे, उसके बाद में सबको राज्यसभा चाहती है। क्या हो रहा है देश में। लेकिन हम तो सम्मान करते हैं, हम तो कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और राज्यसभा का भी सम्मान करते हैं। ये किसान तो आंदोलनकारी हैं, इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उसको पुकारते रहो। हम तो आंदोलन करते रहेंगे, हमको आंदोलनजीवी कहो, हमको खालिस्तानी कहो, हमको पाकिस्तानी कहो, हमको अफगानिस्तानी कहो, हमको गुंडे और मवाली कहो, कुछ ही कहते रहो, हमको तो फसलों के दाम चाहिए। ये आंदोलन जारी रहेगा। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है, वो बड़ा आंदोलन फिर देश में होगा। लेकिन उम्मीद ये है कि अब की बार जो सत्ताधारी लोग हैं उनका मुकाबला करने के लिए दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। आप भी अपना एक गठबंधन बना लो, जो खास करके विपक्ष के लोग हैं, अपना भी एक गठबंधन बना लो। हालात ये हैं आज भी विपक्ष की कि जैसे समुद्र के बीच में पानी के जहाज में सब लोग सवार हैं और वो तूफानों में फंसा हुआ है, लेकिन लड़ाई वहां पे ये हो रही कि इस जहाज का कैप्टन कौन है। कैप्टन तो जब बचोगे, जब बाहर किनारे लग जाओगे। अभी तो समुद्र के बीच में है सारे के सारे, सब इकट्ठे हो जाओ, सारे ही कैप्टन हो, बाहर आ जाओगे तो सभी कैप्टन हो, नहीं तो अंदर तो सब डूबने की कगार पे हैं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको भी, सब इकट्ठे होके लड़ाई लड़ो। हमकारी जरूरत होगी तो हमको भी बुलवा लेना। लेकिन हम ये हैं कि जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, हम आएंगे, तेलंगाना में भी आएंगे। हुई है मुख्यमंत्री जी से बात, उन्होंने कहा कि हम भी किसान हैं और हम आपकी लड़ाई के साथ में हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने किसान, अपने आप को किसान बताया मुख्यमंत्री रहते हुए, तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप अपनी सरकारों की लड़ाई लड़ो और किसानों की लड़ाई हमारे पर छोड़ दो, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और पूरे देश भर के किसानों को इकट्ठा करेंगे और एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में लागू हो। एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, किसानों का हक में क्या होगा, देश में जो बेरोजगारी है उसका क्या होगा, महंगाई पे क्या हाल होगा। आज क्या हाल हो रहा है, पेट्रोल के, डीजल के इसके क्या रेट हैं, गैस के सिलेंडर का क्या हाल है, महंगाई, एजुकेशन के इसके क्या हाल है, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या हो रहा है। लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ एक बात का है कि हिंदू मुस्लिम करवाओ, लोगों को फाड़ो, इनमें लड़ाइयां करवाओ,
सरकार तो ऐसी नहीं होती थी कि झगड़ा करवावे, लेकिन आज चल यही रहा है कि झगड़ा करवाओ वोट लो, झगड़ा करवाओ वोट लो। इससे नहीं काम चलेगा, काम चलेगा फसलों के दाम से, एमएसपी गारंटी कानून से, जो एक समझौता हुआ था हमारा दिल्ली में। उस समझौते में यह था कि एमएसपी गारंटी कानून पे एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के लिए हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अपने 2-3 लोगों के नाम दे दो। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि इसका रेफरेंस बताओ पूरा, कमेटी में कितने लोग होंगे, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका कार्यकाल कितने समय का होगा, इसको क्या पावर होगी। चिट्ठी का जवाब देने से मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। यह होगा कि 3 लोग किसानों की तरफ से ले लोगे, 11 लोगों की अगर कमेटी बनी तो 8 लोग अपने ले लोगे, और जब वहां पे वोटिंग आएगा कहेंगे जी किसानों की तरफ से तो 3 लोगों ने प्रस्ताव करा के गारंटी कानून बने और 9 लोग उसके खिलाफ थे, तो प्रस्ताव करके दे देंगे कि एमएसपी गारंटी कानून की देश में जरूरत नहीं है। लेकिन ये लूटते हैं, ये फसलों को आधे रेट पर लूटते हैं। बिहार में 800 से और 900 रुपए पे पेड़ी की खरीद होती है इसकी, क्या कोई किसान बच जाएगा? उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र बिहार से लगता हुआ है उसमें 1000 से 1200 रुपए की खरीद होती है। हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र वो आंदोलन करके उसकी खरीद हो जाती है कुछ, लेकिन पूरे देश में नहीं है। बाजरा 1000 से 1100 रुपए बिकता है, मक्का 800 रुपया बिकती है, मतलब आधे रेट में फसलों की खरीद होती है। इसलिए देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए और यह शुरुआत हो चुकी है। आज आपने लड़ाई में हिस्सा लिया, कल दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, परसों तीसरे आएंगे, एक ये किसान की आवाज बनी। आपने एसकेएम का समर्थन किया, आपने दिल्ली के आंदोलन का समर्थन किया और आपने अपने तेलंगाना से यहां पे हजारों लोगों को बुलवा के इस आंदोलन का सपोर्ट किया और दिल्ली के ताज को यह बताया कि हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ाई दिल्ली मान के भी लड़ सकते हैं और अपने तेलंगाना भी लड़ाई लड़ेंगे। तो आपका धन्यवाद, मैं मुख्यमंत्री जी का, पूरी उनकी टीम का धन्यवाद देता हूं, किसानों का धन्यवाद देता हूं, जो मेरी माताएं बहनें जो बच्चे यहां पर आए, जो प्रेस के लोग हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रेस पे भी कैमरा और कलम पे भी देश में पहरा है, इनको भी मुक्त करवाना है। जो भी प्रेस के लोग अगर पक्ष में लिखेंगे तो जैसे मध्य प्रदेश में हाल हुआ इस तरह का हाल होगा, तो मुक्ति अभियान भी देश में चलेगा, उसके लिए भी तैयार रहें। और आने वाले टाइम में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा देश में बन रही है, यहां पे LIU इंटेलिजेंस सब होंगे, आप भारत सरकार को बता दें, उसके लिए तैयार रहें। ये देश का किसान आंदोलन कहां कब और कैसे होगा वो आने वाले टाइम पे हम बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना। ठीक है जी, ఇప్పుడు